मैं यहाँ गिटार बजाता हूँ। लेकिन तुम्हारा बैंड कहाँ है? कौन सा बैंड? तुम्हारी गैंग यार। मेरी एक गैंग है, ये तुम कैसे जानती हो? साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ मैं। 2 मिनट किसी को भी स्कैन करने के बाद उनका बायोडेटा मेरे दिमाग में छप जाता है। ओह, तुम तो वाकई डेंजर हो यार। सारे साइकोलॉजी स्टूडेंट ऐसे होते हैं? सब में ये टैलेंट नहीं होता। वो क्या है ना, मैं गॉड गिफ्टेड हूँ। अच्छा, मेरे बारे में क्या जानती हो? बताओ। मैं वो बता सकती हूँ जो तुम्हें भी नहीं पता होगा। लेकिन मैं क्यों बताऊँ? ओह, मैं भी कितनी पागल हूँ, इतनी जल्दबाजी करती। मुझे डायरी पूरी पढ़ लेनी चाहिए थी। वो आकांक्षा तो कब बड़ी होगी? अब चुपचाप बैठ के डायरी पढ़। ना दानो, असुर लोगों, संगीत के लुटेरे मेरे स्टूडेंट को देख के थर थर कांपने की जगह तुमने उसके बेइज्जती की, गलत शब्दों का उपयोग किया। ब्रह्मा, पंडित ब्रह्मा के स्टूडेंट का तुमने अपमान किया। ए फटे हुए ढोल, यहाँ ऊंची आवाज में बात नहीं करने का? जानते हो किससे बात कर रहे हो? साक्षात पंडित ब्रह्मा तुम्हारे सामने खड़ा है। मेरे आगे ये गिटार, ड्रम्स, ये कीबोर्ड, पानी का फटे दूध की चाय है, ये सब चीजें कानों के दुश्मन है। हमें बताने वाला तू कौन है बे? तुम मेरी बात कर रहे हो? 7 समुद्र पार करके अंग्रेजों के बीच में मैंने शास्त्रीय संगीत की ज्योत को जलाया। रास्ते में कितने तूफान आए, कितनी आंधियां चली, लेकिन मैंने ज्योत को बुझने नहीं दिया। और तुम पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ? अरे बाप रे, बुझा दिया, ये पापी ज्योत को बुझा के रहेगा? ये शास्त्रीय संगीत का अपमान है, घोर अपमान। ए माँ सरस्वती, तुम्हारा गाना सुन के इटली से जा रही थी, मैंने अपना वायलिन बजा के उनको यहाँ रुकने पे मजबूर किया। मेरी मत मारी गई थी कि मैं तुम्हारे पास आया। ए आदमी है फटा स्पीकर, कितनी ओवर एक्टिंग करता है। मुझे तो डाउट है तुझे म्यूजिक आता भी है या नहीं। क्या? मुझे म्यूजिक नहीं आता, मैं संगीत सम्राट हूँ। आई एम म्यूजिक, म्यूजिक आई एम। अच्छा ठीक है, आज हम दोनों में मुकाबला हो ही जाए। हाँ, हो जाए। दूध का दूध और पानी का पानी, तुम्हारा वायलिन और मेरा गिटार किसमें ज्यादा दम है देख। तुम भी बांध लो। रेडी? एकदम तैयार। श्री 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 रंग रंग रंगा चारुलवारी सिंगल नाद संकीर्तन आदि थारम पूर्ण कुंभ रागम। सबस महाप्रभु, हमसे गलती हो गई, आप जीते हम हारे, माफ कर दीजिए। तुझे माफ कर दूं? मैं हिमालय का झरना और तू गलियों में बहता हुआ नाला। तू मुझे फटा हुआ ढोल बोल रहा था ना, अब बोलती क्यों बंद होगी? बोलना, कहा मैं संगीत सम्राट और तू खटमल वाली खाट, चल निकल। भूल हो गई गुरुजी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। कैसा सॉरी? सॉरी कोई एंटीसेप्टिक क्रीम है क्या? पहले जख्म दिया, फिर उसमें मलहम लगा दिया। अगर सॉरी बोलना है तो उस लड़की को सॉरी बोलो, उस लड़की के हाथ में एक नया वायलिन दो, फिर उसे सॉरी बोलो। चलो। मैंने तुम्हें इतना परेशान किया इसलिए सॉरी, पर तुमने मुझे परेशान किया इसलिए थैंक्स। क्या मतलब? क्या तुम जन्म से इतनी क्यूट हो? क्यूटनेस में प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझसे यहाँ मिलने क्यों आ गई? इसकी तो ये लड़का कोई मामूली चीज नहीं है,
ऐसी बातें सुन के तो कोई भी लड़की इम्प्रेस हो जाएगी। ये उनमें से है जिसे उंगली दो तो हाथ ही पकड़ ले। तुम्हारी ये आंखें पहली बार देखी थी ना, तभी पागल हो गया था। ये तो हद ही हो गई। ये तो नहा धोकर कोमल के पीछे पड़ गया। संजू की बातें याद आ रही हैं। उससे मिलने का मन कर रहा है। दिल कर रहा है बस हर वक्त हर पल उसी के साथ रहूं। कोमल! क्या गलत सुर लगा रही हो? शरीर तो यहाँ है लेकिन ध्यान कहाँ है तुम्हारा? ध्यान तो मेरा सही जगह पर है। मेरा ध्यान गिटार पर ही लगा हुआ है। क्या कहा? मुझे गिटार सीखना है गुरुजी। गिटार सीखना है गुरुजी? बात करती है। पवित्र वायलिन को छोड़कर अपवित्र गिटार सीखना चाहती है। वायलिन के अलावा किसी और यंत्र के बारे में सोचना भी पाप है। तुम शर्मा खानदान की बेटी हो जिन्होंने वायलिन के लिए जीवन कुर्बान कर दिया। संजू पर से वेस्टर्न म्यूजिक का भूत उतारने के लिए मैं तुम्हें इस्तेमाल करूंगा ब्रह्मास्त्र जैसा। चाहे कुछ भी हो जाए हम नहीं हारेंगे। सुनो, अगर वो बाइक पे बैठने के लिए बोले तो मत बैठना, अगर बैठी ना तो। इंडियन बैंक से हम यहाँ आपके मुल्क में करोड़ों अरबों रुपए जमा करेंगे, लगभग करोड़ों अमेरिकन डॉलर्स आपके बैंक में ट्रांसफर किया जाएगा। इतनी बड़ी रकम ट्रांसफर करने के लिए इंडियन एम्बेसी और आपकी एम्बेसी जरूरी डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करेंगी। हमने अपने देश में सेटिंग कर ली है। आपका दाम बताइए। अलगुनस मिलिनियोस टीडीपीएस इंडिया सिग्निफिकाकु अलगुनस मिलिनियोस डॉलरस अमेरिकानो सेवन सेफ ट्रांसफरंतु असुभांको परवारो नेसेसिटियानलो ऑर्डरियानो सिंडे इंडिया सुसु एम्बेसी। No, no, it's a big crime. I cannot accept it. शंकर की जुबान से निकला हुआ लफ्ज पत्थर की लकीर होता है। समझ गए? 24 घंटे देता हूँ। Fix a price and say yes. बैठो। मेरे गुरुजी ने मना किया है। ए, चुपचाप बैठ जा। गुरुजी को मत बताना। वैसे मुझे ले कहाँ जा रहे हो? बताओ ना। लाया भाई। क्या बोल रहा है? राजी नहीं हो रहा है। मैंने इंडिया से यहाँ पैसा लाने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। तेरी कंट्री का क्या बिगड़ेगा? मिलियंस ऑफ डॉलर्स फंसे हुए हैं। तेरी बैंक में मैंने सिर्फ एक अकाउंट के लिए ही तो रिक्वेस्ट की है। क्या बिगड़ेगा तेरा? बोलो ना। चुपचाप बैठी रहो। पर तुम बता क्यों नहीं रहे हो? मैं कितनी देर से पूछ रही हूँ, तुम बताओ तो। उतरो। क्या? कहाँ ना उतरो? मुझे इस तरह उतार क्यों दिया? कितने सवाल करती हो तुम, कहाँ जाना है कैसे जाना है? पक गया मैं, मुझे पसंद नहीं। हटो। मिनट में वापस आ गया तो ठीक है वरना इसकी इसे और इसकी बाइक को भस्म कर दूंगी। हेलो। हेलो। हाय। तुम इस वक्त अकेले हो?
हाँ हूँ। तो क्या कर रहे हो? लैच खोल रहा हूँ। कहाँ का लैच? तुम्हारी खिड़की का। हाँ? हाय। ये क्या संजू, तुम चोरों की तरह मेरे घर में और अपनी शर्ट क्यों उतार रहे हो और मेरे करीब क्यों आ रहे हो? तुम मेरे कास्ट के तो हो ना? हैं? तुम ब्राह्मण तो हो ना? बैपनीज। बैपनीज क्या होता है? जापनीज तो सुना था। कन्वर्टेड ब्राह्मण्स को बैपनीज कहते हैं। ब्राह्मण्स में भी लोग कन्वर्ट होते हैं क्या? क्या बाकी धर्मों में हो सकता तो इसमें नहीं हो सकता? और तुम जात पात का इतना लफड़ा क्यों कर रही हो? ताकि आगे चल के कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो जाए। ताकि आगे चलकर कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो जाए। हाँ। कोमल, आई लव यू। प्लीज संजू, कुछ करना मत। ए, मैं क्या बोल रहा हूँ और तुम क्या कह रही हो? मैंने आई लव यू कहा। अगर मैंने हाँ कहा तो तुम मेरे साथ कुछ करोगे तो नहीं ना? अगर मैंने कुछ नहीं किया तो तुम्हें बुरा लगेगा ना? तुम्हें तो मुझसे कुछ ज्यादा ही उम्मीदें हैं कोमल। संजू, एक किस दे दो ना। एक किस से तुम्हारा मन नहीं भरेगा। क्या कहा? एक किस से तुम्हारा मन नहीं भरेगा। ओह, तो मन भरने तक किस करूँ ना? नहीं तुम उसके बाद कुछ और भी करना तो मैं भी चाहता हूँ। संजू, साइलेंस प्लीज। संजू, वही कमरा, वही जगह, वही बिस्तर, उन बातों का असर अब मुझ पर भी होने लगा है। अगर मैं डायरी पढ़ती रही तो कहीं मैं भी कोमल ना बन जाऊं। कोमल पिघल सकती है पर मैं नहीं, मैं तो साइकोलॉजी स्टूडेंट हूं।